रेमेडी चैनल में मैं दीक्षा आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ एक नए वीडियो के साथ और जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सावली त्वचा को आप गोरा कैसे बना सकते हैं। पर ये वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे भी दबाएं। इससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान रखिए कि मैं इस वीडियो में गोरी त्वचा का बिल्कुल समर्थन नहीं करती, पर मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं और फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं ये वीडियो को बनाऊं, क्योंकि आजकल हर कोई गोरी त्वचा चाहता है। अगर हम सांवले हो तो भी हम बहुत सारे फेयरनेस क्रीम्स या फिर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके त्वचा को गोरा बनाना चाहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ ऐसे असरदार तरीके बताए जाए जो आप घर पर कर सकती हैं और आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो चलिए कुछ ऐसे असरदार तरीकों के बारे में बात करते हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से आपकी सांवली त्वचा गोरी हो जाएगी। बेसन स्किन को नेचुरली गोरा बनाने में बहुत फायदेमंद है, क्योंकि बेसन में स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके लिए आप बेसन में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लीजिए और ये पेस्ट अपने चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए उसे चेहरे पर ही रखें। उसके बाद आप अपना चेहरा वॉश कर लें। इसके लगातार इस्तेमाल से आपकी सांवली त्वचा 2 से 3 शेड तक गोरी हो जाएगी। दूसरी चीज़ है बादाम। बादाम भी सांवली त्वचा को गोरा बनाने में बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है जो हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये उपाय करने के लिए आप बादाम को पीसकर उसका पाउडर बना लीजिए। अब उसमें आधा चम्मच लेमन जूस और दही मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लें। लेमन में विटामिन सी होता है, साथ ही साथ इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हमारी त्वचा को गोरा बनाती हैं। और दही में लैक्टिक एसिड होता है जो चेहरे पर अगर कोई भी काले धब्बे या फिर दाग हो तो उसे हटाने में मदद करता है। तो ये पेस्ट बनाकर आप अपने चेहरे पर लगाएं, उसके बाद चेहरा वॉश कर लें। ये पेस्ट आप 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पर रख सकती हैं। आपको ये उपाय हफ्ते में 3 से 4 बार करना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी सांवली त्वचा गोरी होने में मदद होगी। तीसरे उपाय के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा टमाटर। टमाटर में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए ये उपाय करने के लिए आप टमाटर को पीसकर उसका पेस्ट बना लीजिए और ये पेस्ट सीधे अपने चेहरे पर लगाकर इसे 15 से 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप ठंडे पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। इस उपाय को आप रोजाना भी कर सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे से आपका सांवला चेहरा गोरा होने में मदद होगी। तो कैसे लगे आपको मेरे आज के ये टिप्स? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप ये वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस करना मत भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स और रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।